ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं दो चीज़ें मैं क्लियर करना चाहता हूँ। पहली चीज़, ये वीडियो होगी बहुत लंबी और मैं पार्ट्स में अपलोड कर रहा हूँ। मुझे पता कि लोग पूरा पूरा टाइम देते हैं कि नहीं, अगर 10-15-20 मिनट कोई वीडियो हो जाए तो लोग पूरा रुकते नहीं, लेकिन जरूरी चीज़ मिस कर देते हैं। तो मैं चाहता हूँ लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो ताकि अगली कोई पार्ट आए इसके बाद कंटिन्यूएशन में तो आप वो देख सकते हैं। अगर नया है तो मैं उसके लिए भी चाहूँगा सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो वो देख सकता है। अब शुरू करते हैं। एक्चुअली आज 8 से 10 मुद्दों में बात करने वाला था, इसलिए मैंने पहले बोल दिया कि वीडियो लंबी होने वाली है। ये वीडियो खैर छोटी होगी क्योंकि इस वीडियो में एक ही टॉपिक कवर होगा। आप लोगों को वो वीडियो याद होगी जिसमें एक मुसलमान सब्जी वाला, मैंने स्पेसिफिकली मुसलमान इसलिए मेंशन किया क्योंकि एक पूरी कहानी है इस वीडियो में, उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस वजह से कुछ लोगों का नुकसान भी हो रहा है। मैंने मुसलमान इसलिए बोला क्योंकि उसकी वजह से कुछ लोग सफ़र कर रहे हैं और सिर्फ बाकी के आम लोग ही नहीं, मुसलमान भी सफ़र कर रहे हैं। तो इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इसका कुछ करना चाहिए, लोगों को स्टैंड लेना चाहिए और इस चीज़ों को रोकना चाहिए। और मैं उन लोगों से स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो के एंड में एक मैसेज आपको मैं देना चाहता हूँ, अगर आपको खुद समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं देना चाहता हूँ तो आप रुके रहिएगा। तो उसकी वीडियो बहुत वायरल हुई, पुलिस गई, पूछताछ हुई और बेटी से जब पूछा गया कि ऐसा क्यों करते हैं, क्या बात है ये वो, तो बेटी ने बताया कि ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको नोटों पे थूक लगा के गिनने की आदत है, तो फलों पे भी वो थूक लगाते हैं। अब मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आया कि या तो चचा बहुत अमीर थे भाई, नोट गिनने की इतनी आदत है, इतना थूक लगाना पड़ता है कि वो आदत में बन गया और फलों के साथ भी वो यही सब करने लगे। मुझे नहीं पता, फलों की तो अपने आप की एक अपनी ग्रिप होती है, कोई पकड़ सकता है, अलग कर सकता है, वो चिपकेंगे तो है नहीं, वो ऐसा भी नहीं कि आसानी से हाथ में भी ना आए, वो फिसल जाए, ऐसा कुछ। तो फलों के साथ ऐसा करने का कोई लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। और ऐसे माहौल में कि जब आप सोशल डिस्टेंसिंग बना रहे हैं और एक आदमी थूक लगा रहा है हर जगह, तो ऐसा काम किसी भी तरीके के टेररिज्म से कम नहीं है। और उसमें अगर कोई क्वेश्चन कर दे कि वो कर रहा है तो सामने से पलट के डिफेंस में लोग आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं कि आप कम्युनिटी के बेसिस पे क्वेश्चन कर रहे हो। मैं कम्युनिटी के बेसिस पे क्यों ना करूं उसका मुझे कारण बताइए, क्योंकि जब से ये माहौल शुरू हुआ है तब से सिर्फ एक ही कम्युनिटी सामने आई है जो इस हरकत में पूरी तरह से इन्वॉल्व है। कोई थूक रहा है, कोई काट रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है, भाग रहा है, कोई नंगे हो रहा है, और तबलीगी जमात वाले ही मैक्सिमम कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कहा जा रहा है तो लोग उसका ही काउंटर करना, उनको ही बचाना लोग सामने आ जा रहे हैं और धमकियां देने लग जा रहे हैं। कई कई तो न्यूज़ रिपोर्टरों को धमकियां आ रही हैं, मैं आप उसकी मैं अगली वीडियो में बात करूँगा। अब एक और वीडियो दिखाता हूँ कि किसकी हरकत की वजह से किसको क्या करना पड़ जाता है। अब मुझे नहीं पता कि मैं उसकी इस हरकत को सही तरीके से भांप रहा हूँ, उसके नाम बदल के सब्जी बेचने का क्या एजेंडा था मुझे नहीं पता। तो एक सब्जी वाला नाम बदल के सब्जी बेच रहा है, आपको वीडियो दिखेगी, मैं कुछ मनगढ़ंत नहीं बता रहा हूँ। वो है मुसलमान, उसने नाम रखा हिंदू, वो इसलिए बेच रहा है कि मुझे लगता है कि वो इसलिए बेच रहा होगा क्योंकि जो किस्सा भी हुआ कि मुसलमान हर जगह थूक लगा रहे हैं, जूठा करके दे रहे हैं सब कुछ, तो हो सकता है उससे कोई खरीदे ना, तो इससे उसकी बिक्री कैसे होगी, अपना पेट कैसे पालेगा, मुझे ये कारण लगता है। तो अब अगर मेरा कारण सही है तो क्या ऐसा नहीं हुआ कि मुसलमानों की वजह से ही मुसलमान सफ़र कर रहे हैं? पहला, इस्लाम की बेइज्जती हो रही है, दूसरा मुसलमानों की बेइज्जती हो रही है, किसी की वजह से किसी की कमाई रुक गई, कोई अपना पेट नहीं पाल सकता, कोई घर पे शाम को पैसा लेके नहीं जा सकता, वैसे भी कितनी तंगी का माहौल है। लेकिन आपको अपना अगर किसी भी तरीके का कोई एंटी इंडिया एजेंडा चलाना है, आपको एंटी ह्यूमैनिटी एजेंडा चलाना है, तो आपकी वजह से ही आप ही के लोग सफ़र कर रहे हैं, ये आपको सोचना चाहिए कुछ भी करने से पहले। क्योंकि अगला करने वाला यही कहता है कि हम मुसलमानों के लिए कर रहे हैं, हम उम्मा के लिए कर रहे हैं, तो ये सब आप करना बंद कर दीजिए क्योंकि सफ़र करने वाले भी आप ही में से एक आते हैं। चेहरा खोलो अपना, इनको पहचानिए, इनका नाम है राजेश, इन्होंने बताया ये सब्जी विक्रेता हैं। हाथ दिखाओ अपने, ऊपर दिखाओ, ऊपर लाओ, इनके हाथ में ग्लव्स नहीं हैं और ये सब्जी बेच रहे हैं। नाम इन्होंने राजेश बताया, क्या नाम है इनका पता नहीं। आधार कार्ड लाओ। आधार कार्ड नहीं। क्यों नहीं आधार कार्ड? बच्चे नहीं साहब। कहाँ रहते हो? रहते कहाँ पे हो? हैं? किराए पर रहते हैं। कहाँ पे रहते हो? डालीगंज, जो खतरा है। डालीगंज खतरा में रहते हो, कहाँ के रहने वाले हो? नाम क्या है, सही नाम बताना, नहीं तो फिर पकड़ जाओगे, अभी हम पुलिस को बुला के फिर पकड़ा देंगे। मतलब हम मुसलमान बिरादरी। तो फिर नाम झूठ क्यों बोला? अगर मुसलमान बिरादरी हो तुम्हारा स्वागत है, नाम झूठ क्यों बोले? नाम चाहिए। तुमने नाम अपना राजेश बताया, जब्बार, जब्बार।
इसमें सब हो गया, नोट हो गया, तुम जो बता रहे झूठ नहीं बोल सकते हो। अभी तुमको सुना देंगे दोबारा, तुमने नाम पहले राजेश ही बताया। जब्बार कहना भूल गए, पहले बताया राजेश। कोई गलती ना कि माफ कर देगा, कोई गलती का से गलत पहन के ना, मैं जो करना हो कर लीजिए। बेटा झूठ मत बोलो, तुमको मैं सही बात बता रहा हूँ। तुम सब्जी बेचो अच्छी बात है, गरीब आदमी साहब घर नहीं जा पाए, बहुत बुरी दिक्कत है। वही बात नहीं, तुम सब हमसे 500 रुपए लो, तुम हम तुमको 500 रुपए दे रहे हैं। तुम सब्जी बेचो अच्छी बात है, तुम घर जाओ अच्छी बात, लेकिन झूठ क्यों बोलो? तुम्हारा नाम है जब्बार, बता रहे हो राजेश। दिक्कत कुछ नहीं है, केवल तुम हाथ में 25 रुपए ग्लव्स आता है, ग्लव्स खरीद लो, बेचो आराम सब्जी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अभी मिल जाएगा, वहाँ जहाँ से तुम आए उधर रास्ते में था, वहीं मंदिर के पीछे वहाँ पे था, वहाँ तुम ले लेते ग्लव्स। कोई बात नहीं, लेकिन दोबारा से इस तरह का काम, एक तो झूठ बोलना सबसे पहली बात, नाम तुम्हारा जब्बार, बता रहे हो राजेश, गलत बात है ना ये। फिर अभी इसी तरह से कोई तुमसे पूछेगा पुलिस वाला, तो तुम पकड़ जाओगे, जाओगे जेल फिर, तो ये गलत बात है ना। कहीं पर भी बेचो सब्जी, हाथ में ग्लव्स, मुंह के ऊपर फेस मास्क जैसे लगाया ना, इसको अच्छे से लगा के और उसके बाद हाथ में ग्लव्स पहन के तब तुम सब्जी बेचो। और नाम सही बताना, गलत नाम मत बताना, ये जान लेना तुम। हाँ हाँ, दोबारा ये गलती नाम बताने वाली नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे जैसे लोग ही सब गलत काम करते हैं। चलिए, पूरे देश में इतना बड़ा सब वो चल रहा हो, तुम जो है गलत बात कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो। डेली रोजाना बताया जा रहा टीवी पे, मीडिया में, अखबार में, सब जगह बताया जा रहा है कि हाथ में ग्लव्स पहन के बेचिए, मुंह में फेस मास्क लगा के बेचिए आप सब्जी फल फ्रूट्स, वो आप जो है ऐसे बेच रहे हो, उसके बाद नाम गलत बता रहे हो, ठीक है ना। ये दोनों बहुत बड़े गलतियां हैं तुम्हारी। चलिए ध्यान रखिए भाई साहब, सभी लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि इस बात पे जरूर ध्यान रखा जाए कि जो भी आपके क्षेत्र में सब्जी विक्रेता है, फल फ्रूट्स विक्रेता है, वो कहाँ का रहने वाला है, किस जगह से आया है, इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। दूसरा, इनके हाथ में ग्लव्स हैं कि नहीं है, चेहरे पर फेस मास्क है कि नहीं है, ये अति आवश्यक है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण एक दूसरे के टच करने से ही बढ़ता है। और ये लोग खुले आम खुले हाथ, हाथ दिखाओ, खुले आम खुले हाथ, नंगे हाथों से ये सब्जी बेच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, इस पर ध्यान देने की सख्त आवश्यकता है, सख्त ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप सब लोग इस बात पर चिंता नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर जो समस्या है वो समस्या और बढ़ती जाएगी। और लॉकडाउन जो अभी आप जिस प्रकार से निकल भी ले रहे हैं, इस क्षेत्र में सब्जी भी खरीद ले रहे हैं, कुछ दिनों बाद आपको सब्जी मिलना भी बंद हो जाएगी, क्षेत्र में निकलना भी बंद हो जाएगा। इसलिए मैं लोगों को जानकारी के लिए निवेदन कर रहा हूं। अभी रास्ते में मैंने इनको पकड़ा नदवा कॉलेज रोड पर, ये मिस्टर जब्बार हैं। पहले इन्होंने अपना नाम राजेश बताया, जबकि इन्होंने थोड़ा सा मैंने कड़क अंदाज में इनसे पूछा तो इन्होंने अपना नाम जब्बार बताया। तो इस प्रकार से ये लोग जो इस प्रकार से इनके द्वारा कुछ भी गलत किया जा सकता है। इसलिए आप सबको, जितने भी क्षेत्रवासी हैं, नदवा कॉलेज के आसपास रहने वाले लोग, सभी सम्मानित साथियों भाइयों से निवेदन है और पूरे क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि इस प्रकार का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि ये हर जगह हर स्थान पर इस तरह से हो सकता है कि ये सही आदमी, मैं इनको गलत आदमी नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है ये सही आदमी हो, लेकिन इनकी जरा सी गलती बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। इसलिए इनको जब ये कहीं ऐसे लोग मिल जाएं तो उनको बताने की आवश्यकता है और इनसे सब्जी कतई मत करें जब तक इनके हाथ में ग्लव्स ना हो।